हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं बना रही हूँ कच्चे केले के पकोड़े की सब्जी। और मैंने केले छील के यहाँ पे काट लिए हैं ऐसे पीसेस में। और अब मैं बनाऊँगी बेसन का बैटर, जिसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा लहसुन कूट के, हल्दी, धनिया पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। अब मैंने इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है, जैसा भी आप कम ज़्यादा करना चाहें कर सकते हैं अपने हिसाब से नमक को। फिर मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा गरम मसाला टेस्ट के लिए, कि टेस्ट आना बहुत ज़रूरी है। और फिर मैंने बैटर में पानी डाला है, तेल गरम होने के लिए रख दिया। मसाले को अच्छी तरह बेसन में मिक्स कर रही हूँ हाथ से, क्योंकि चम्मच से इतने अच्छे से मिक्स नहीं होगा। अब इसको अच्छे से एक साइड बेसन को फेंटते रहें और उसमें फिर केला डाल के उसको भी अच्छे से मिक्स करें। मेरे पास वीडियो बनाने वाला कोई नहीं है, इसलिए मैं खुद एक हाथ से वीडियो बना रही हूँ, एक हाथ से सामान डाल रही हूँ। अब मेरा तेल गर्म हो चुका है और मैं उसमें अब पकौड़ियाँ डालूँगी। सब्जी बहुत अच्छी बनती है, आप आखिरी तक देखिएगा ये सब्जी कितनी अच्छी, देखने में कितनी अच्छी और टेस्ट इसका कितना अच्छा होगा। आप लोग इसको बनाएंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा, इतनी अच्छी सब्जी बनती है ये। और जब तेल गर्म हो जाए तभी उसमें पकौड़े डालें, नहीं तो ठंडे तेल में अगर डालोगे तो तेल सोख लेगा पकौड़ा, गर्म तेल नहीं सोखेगा, इसलिए गर्म तेल में डालें। अब मैंने प्याज काट लिया, लहसुन कूट लिया, कूट के डालें ज़्यादा स्वाद आएगा। और मिर्च और अदरक और टमाटर का पेस्ट बना लिया है। अब मैं इसके अंदर जीरा डालूँगी गर्म तेल में, जो तेल बचा था उसी में, और थोड़ी सी हींग और प्याज, और इसको ब्राउन होने तक मैं भूनूंगी। कुछ स्टेप्स मिक्स हो सकते हैं क्योंकि मैं अकेली ही वीडियो बना रही हूँ, अकेली खाना बना रही हूँ, एक हाथ में फ़ोन एक हाथ से डाल रही हूँ। और अब मैंने टमाटर, अदरक और उसका मिर्च, हरी मिर्च का पेस्ट डाला है इसके अंदर। अब हम इसमें मसाले डालेंगे, मसाले में हम डालेंगे इसमें हल्दी, 2 चम्मच हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर। अब हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, नमक आप अपने हिसाब से डालें, मैंने पहले भी बताया था हम पकौड़ी में भी डाल चुके हैं तो आप उसी हिसाब से नमक डालें। और अब इसमें हम डालेंगे, जब ये अच्छे से तेल सोख दे, मसाला अच्छे से पिस जाए, मतलब भून जाए बहुत अच्छे से, तो हम इसमें डालेंगे 1.5 ग्लास पानी। पानी में उबाल आएगा जब तक हम इसको छोड़ना है। जैसे ही पानी में उबाल आई, जैसे अभी उबाल दिख रहा है आपको, पानी में उबाल आ चुका है। अब हम इसमें जो हमने केले की पकौड़ी बनाई थी वो हम इसमें डाल देंगे। अब आप देख सकते हैं मैंने केले की पकौड़ियाँ जो थी वो बैटर में डाल दी है, ग्रेवी में डाल दी है। देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेट्स सी खाने में कैसा होता है। अब ये है कसूरी मेथी, जिसको मैंने थोड़ा हाथ से मसल के इसके अंदर डाल दिया है। ये देखिए कैसा बन रहा है, और ये देखिए फाइनल लुक। आप बताइएगा बना के कैसा बना कमेंट में। थैंक यू सो मच।